आईपीएल 2023 पर भी फिक्सिंग का साया पड़ सकता है। बीसीसीआई ने बड़ी एडवाइजरी जारी की है। बीसीसीआई ने सभी टीमों को, उन टीमों के सभी खिलाड़ियों को एक निर्देश दिए हैं कि भाई कोई भी किसी अनजान इंसान से बात नहीं करेगा। अगर कोई अनजान इंसान आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है, कोई लालच आपको दे रहा है, कोई फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें और बीसीसीआई को दें। अगर ऐसा खिलाड़ी ने नहीं किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है, यह बीसीसीआई ने कहा है। दरअसल हाल ही में एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है और उस इंसान के गिरफ्तार होने के बाद बीसीसीआई जो है वो सचेत हो गई है। आईपीएल 2023 से पहले जो फिक्सिंग के तार हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। फिक्सिंग को लेकर पुलिस और बीसीसीआई दोनों एक्टिव हो चुकी है और खिलाड़ियों को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अनिल नाम के एक शख्स को गुजरात से गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी जो हुई है वो उसकी बेटी की वजह से हो गई। दरअसल अनिल मुंबई का रहने वाला है। मुंबई में अनिल की कई सालों से तलाश थी। पिछले 7-8 6-7 साल से अनिल जो थे वो लापता थे और उनके पीछे पुलिस लगातार दबिश दे रही थी लेकिन अनिल का कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है उनसे अनिल की बेटी ने संपर्क किया और अनिल की बेटी ने देवेंद्र फडणवीस से की पत्नी से कहा कि मेरे पिता पर लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों को खत्म करा दीजिए। अब देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी थी वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है और देवेंद्र फडणवीस ने की पत्नी ने तुरंत पुलिस को बताया। पुलिस ने उस लड़की को पहले गिरफ्तार किया, फिर लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने अपने पिता का एड्रेस बताया, तो फिर गुजरात से अनिल नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसकी तलाश में पुलिस पिछले 5-6 साल से थी। वो गिरफ्तार हो गया और वो जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ की गई है तो बड़े खुलासे हुए हैं और उन खुलासों के बाद अब बीसीसीआई ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं सभी टीमों के लिए कि भाई अगर कोई आपसे अनजान शख्स बातचीत करने की कोशिश करता है या फिर आपको कोई लालच देने की कोशिश करता है या फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी पुलिस को दें, बीसीसीआई को दें। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको याद होगा साल 2013 में फिक्सिंग का खतरा मंडराया था आईपीएल पर, कई सारी टीमें निलंबित हो गई थी, कई सारी टीमें जो हैं कई सारे खिलाड़ियों का करियर बर्बाद हो गया उस साल। तो इसीलिए बीसीसीआई नहीं चाहती कि आईपीएल पर इस तरह का खतरा दोबारा से मंडराए या फिक्सिंग का साया दोबारा से आए। इसीलिए बीसीसीआई ने पहले निर्देश दे दिए हैं कि 2023 में इस तरीके का अगर कोई इंसान आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो उसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस और बीसीसीआई को दी जाए। आपका आईपीएल 2023 पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि फिक्सर जो है वो बड़े चालाक होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने काम को अंजाम देने में कामयाब होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।